देखिए भूपेंद्र सर जीते हैं, मुखिया बने हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लेके आएंगे। मुझे ये उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, जो लोगों की सोच से परे होगा। तो देखते हैं अब सर क्या करते हैं आने वाले 5 सालों में। मैम ये सुनने में आया कि ये ऐतिहासिक जीत है जैसे पंचायत के लिए, देखिए यहाँ के जो पिछले मुखिया थे वो 15 साल से यहाँ पे सत्ता में। हाँ ये तो मैंने भी सुना था और जिस दिन मैं रात को आई थी उस दिन पैसे भी बढ़ रहे थे। जी सर, मैंने खुद देखा भी था अपने आंखों से, मैं कहा ये क्या हो रहा है, तब मैंने आके बताया कि कौन थे, तो उन्होंने बताया कि वही थे। मैंने कहा अच्छा पैसा बढ़ रहा है, तो बोला हम पैसा वैसा कुछ नहीं बांटेंगे, लोगों को हमारे ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। ये मैम और भी लोग कह रहे हैं कि ये सर की जीत नहीं, ये पूरे गांव वाले की। बिल्कुल बिल्कुल, गांव वाले चाहते थे तभी तो जीते जी। और चाहत थी सर बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव है। बिल्कुल ये तो है ही, और बाकी अभी हमारा जाने का समय हो रहा है, फ्लाइट है, आपसे बिल्कुल जल्दी बात करेंगे, दोबारा मौका देंगे आपसे बात करने। जी ठीक है मैम, धन्यवाद।